हाँ कैसा हुआ भैया? अच्छा था पेपर काफी। अच्छा था, मतलब पढ़ाया हुआ है नहीं आया? मेरी जान सूख रही है, मुझे तो कुछ पूरा बताओ। जी के सर आपके में आया था, पूरा जी के सर आपका। पूरा जीके सर पैसे से आया था, पूरा जीके पैसे से आया था। अच्छा, वो लोग तो जीके का मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो पैसे से बाहर हो? नहीं, दो तीन थे, एक डायर नहीं का फुल फॉर्म था, डायर का पूरा नाम, कौन सी वॉर थी, सब पढ़ा रखा था आपने। अभी ये बताओ, हमारा पढ़ाया हुआ पूरा आया है कि कुछ नहीं आया हमारा सारा पढ़ाया हुआ? सारा पूरा पूरा का आया, पूरा पूरा है, पूरा का पूरा, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया, पढ़ाया हुआ आया है। पूरा पूरा। जो जो वो लीगल में हाँ जो पैसेज पढ़ाए थे ना, डाटा हाँ ली प्रोटेक्शन वाला, और फिर हाँ उसके बाद वो सिक्योरिटी वाला, दोनों हाँ पैसेज जाए जुबिनाइल, जुबिनाइल भी वो आया सर, भी तो जुबिनाइल आपकी वाला भी जानकारी पढ़े हैं का। पर जुबिनाइल। लीगल का पढ़ाए हुए पैसे जाए लीगल के पढ़ाए हाँ पैसे जाए सर, हाँ लीगल में? सर, आए हैं सर। सर जुबिनाइल वाला भी आया है, आपने जो पढ़ाया था हमारे नोट्स में था वो। आधे से ज्यादा पेपर तो सर हमारे मेरे मटेरियल में से आया था, पेपर तो द हिंदू में से बहुत सारा था और मटेरियल। हमने हमने लगातार अखबार टिक करके दिया था। बेटा मेरे को बहुत घबराहट हो रही थी, तुम लोग 2 बजे से जब से गए हो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें मोटिवेट करने के बाद मेरी हवा निकली हुई थी। सर और एडिटोरियल बेस्ड ही पैसेजेस थे मोस्टली, तो कुछ कुछ हमारा बस फंसाया हमने इतना, लॉजिकल में। मैं भैया मैं इतना पूछूंगा, सब लोग एक एक करके जवाब देना, बस इतना हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ, बिल्कुल हाथ जोड़ के इतना बता दो, हमने जो पूरे 1 साल पढ़ाई करी, जिस तरीके से पढ़ाई करी, हमारा ही हमारी तरीके की पढ़ाई से, हमने जो न्यूज़पेपर पे फोकस करा, हमारे नोट्स पे फोकस करा, कॉन्सेप्ट पे फोकस करा, उससे हम लोगों को 1 से 10 में, 10 बीइंग हाईएस्ट और 1 बीइंग लोएस्ट, बोल के बताना कितना फायदा हुआ, और सर जेन्यून 10 से बताना। ज्यादा, 10 से ज्यादा की रही, 10 और 10 10 10 9 फायदा हुआ है, क्या इसमें सर से कोई बताओ। बाहर सबसे के फायदा हुआ है, सबसे ज्यादा फायदे टेन हुए हैं टेन एलिमिनेशन का। मोटिवेशन इतना काम आया ना वो, मतलब पेपर जब स्टार्ट होने वाला था तो वो आधा पौना घंटा बैठना ही था, तो आपके ना कल के बोले वर्ड्स और पहले के बोले वर्ड्स दिमाग में चल रहे थे कि ये है ये है ये है, बस यही दिमाग में चल रहा था और सर मैं खुद को एक मिनट काम थोड़ा डाउन डांस कर करना लूँ, है। डांस कर लूँ। सर मोटिवेशन के अलावा आपका पढ़ाया हुआ भी यूज आया है पेपर में। सर लीगल में भी आया ना पढ़ाया हुआ यूज, लीगल में उधर सब जगह आया ना। वो आए ना सर पर्सनल लाइफ उधर इतनी ऑफ आसान आई सेक्रेटरी। थी ना, मजा आ गया कसम से। सर लीगल सवाल का एक है, सवाल सवाल एक है, हम मैं कह रहा था ना लगातार, हमने अपने हिस्से की पूरी मेहनत करी थी, पूरे साल हम लगातार रोज पढ़ाई कर रहे हैं, पूरे साल लगातार रोज पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। चार पैसे आए हमारे पढ़ाए हुए में से लीगल के, लीगल के ये पढ़ाए अभी में मैंने चार चेक। पैसे जाए हैं, हाँ चार पैसे जाए हैं, सर सब पढ़ा हुआ है था लीगल में भी, बस एक पैसेज था वो नहीं, वो थोड़ा सा मतलब एडिटोरियल, जनरल था, बहुत ज्यादा जनरल था सिर्फ एडिटोरियल। भाई मेरा। और आशी अपन ने सारे एडिटोरियल सब कुछ शुरू से पढ़ा के चला था ना, यस सर, मम्मी यस कसम सर। मेरी बहुत सांस सूखी हुई है भैया, मेरे को बहुत डर लग रहा था, मैं वैसे ही बता रहा, मेरा बीपी ऊपर नीचे हो रहा है लगातार, 2 बजे से मेरी जो दम निकली हुई है। तो मैं बताऊं दो पैसेजेस के डायरेक्ट आंसर जीके के, रीड करते ही आंसर, जलियांवाला बाग मैसेकर। मैं समझ गया, पर जीके में चलो पैसेजेस के आंसर थे मैं मान लिया, पर हमने जो पूरे साल मेहनत करी उसकी हमको सारे सेक्शन में हेल्प हुई होगी ना, या नहीं हुई है? अगर नहीं हुई तो मुंह पे मना करना, साफ सर जो साफ मेन मना हेल्प कर हुई है देना। ना वो आपकी एलिमिनेशन की हुई है। यस सर, यस सर। बेटा और तुमको पता है एलिमिनेशन हमको क्यों आता है, तुम ये समझना, हमें एलिमिनेशन क्यों आया, क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए थे, अगर हमारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए नहीं होते समझना, अगर हमने थियोरेटिकली जीके सही से पढ़ी नहीं होती तो हम घंटा एलिमिनेट कर पाते, लॉजिक लगाओ, पॉइंट समझ रहे हो मेरा, अगर हमने एलिमिनेशन करी नहीं होती तो एलिमिनेट कैसे कर पाते भैया, मेरे को बहुत डर लग रहा था। ज्वाइन मेगा जी के 2 मंथ्स बैक, ऑल सर क्रेडिट गोज टू यू सर फॉर टुडेज आप तो परफॉर्मेंस। आप यूट्यूब पे डाल सकते हो, लीगल पूरी पता मेरी, है जीके पूरी मेरी। नहीं मैं पहले तुम लोग क्लियर बोलोगे तब डालूंगा ना, मैं झूठा कभी नहीं डालता हूं ना, तुम क्लियर बताओ कितने लीगल आए। तो आप लीगल तो आई है पूरी। सर मेरी 119 अटेम्प्ट। कोई मुझे एक बच्चा साफ बोल के बताएगा तो मैं बता पाऊंगा ना, कोई एक बच्चा साफ बोल के बताओ कि लीगल में कितना, सीआर इंग्लिश में और जीके में कितना कितना पढ़ाया हुआ आया है, तुम कोई बोलो तो सही, तभी तो डालूंगा यूट्यूब पे, वरना कैसे डालूं, और ईमानदारी का बताओ। मैं कुछ गलती करके आई होंगी ना, अपनी खुद की सिली मिस्टेक, पैनिक या फिर कुछ, वरना पूरा पेपर मेगा जीके से पढ़ाया हुआ ही आया। बाहर सही कह रही है, सारे इतने बिल, अगर मैं कुछ गलती आशी सही कह करती रही आई है हूँ तो सर। मेरी गलती है वो। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, इससे आसान और इससे अच्छा नहीं पढ़ा सकते थे सर, मैं बता रही हूँ आपको। मेरा सिलेक्शन सिर्फ मेगा जीके की वजह से ही होगा, अगर होगा।
थैंक यू सो मच। बाकी सबको वो क्या वो सूंघ गया है सांप, ये बाकी सबको सांप सूंघ गया क्या? काकुल गई मेरे हाथ से सामने फोन पे। काकुल सर मेरा भी कर सिलेक्शन। है भाई मेरा नहीं होती तो मेरा क्या होता, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा। अगर आप बेटा मेरा देख देख इम्तिहान पता है क्या होता है, सबका इम्तिहान होता है, टीचर का तुम्हें क्या लग रहा है इम्तिहान नहीं होता? हमारी जान सूखी होती है आशी, हमने पूरी साल एक चीज एक सोच रख के पढ़ाया, हमने पूरे साल मल्टी एडिटोरियल पढ़ाया तुमको। क्यों पढ़ाया? क्योंकि हमें पता था कि वहां से पेपर आएगा। तुमको रोज एडिटोरियल, तुमको रोज, तुम लोगों को ढाई ढाई घंटा तुम हमसे पूछते थे कि सर एडिटोरियल पढ़ा रहे हैं, आप क्यों पढ़ा रहे हो, इतना पढ़ने के लिए क्यों देते हो डेली 40 पेज? हमने कि पढ़ ले पढ़ ले, सबको बोला पढ़ लो, विदुषी सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, पढ़ लो। तुम लोगों ने बोला जी के याद नहीं हो रही, मैंने कि याद करना छोड़ो पढ़ लो, याद हो ना हो पढ़ लो। नॉलेज का बेस ना, कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड पेपर को निकालने में नॉलेज का बेस काम आता है, और उस टाइम पे काम आता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बोल के बता समृद्धि, लिख के मत बता, बोल के बता। हाँ डिफेमेशन किया था मैंने क्लास में, डिस्कस क्यों नहीं किया था? डिफेमेशन का पूरा पैसेज पढ़ाया है, डिस्कस क्या हाँ होता तो सर अपने सर चार आए हैं अपने, है फिर मैं लीगल वही में? कंफर्म करके बता रही थी आपको। लीगल से सर 5 पैसेज थे टोटल। हाँ डिफेमेशन वाला है अपना, जुविनाइल वाला है अपना, डेटा डाटा प्रोटेक्शन डाटा वाला भी है। प्रोटेक्शन तो वॉइड और वॉइडेबल करा है, वो वॉइड अवॉइडेबल इनहेरिटेंस करा था अपन ने क्लास में, वॉइड अवॉइडेबल सर वो भी इनहेरिटेंस नोन ही लग रहा था। नोन लग रहा होगा, पढ़ाई नहीं था, चाइल्ड, बोस्टन न्यूज़पेपर पढ़ा, हाँ मेरे को तो खुद सर मेरे फिर को चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड चाइल्ड मैरिज, मैरिज आया था। चाइल्ड मैरिज किया था, हाँ वॉइड अवॉइडेबल इनहेरिटेंस नहीं किया था, ईमानदारी की बता रहे हैं। मेहनत अनुभव, मेहनत करी थी, बहुत मेहनत करी थी, ठीक है ना? 4 पैसेज लीगल के पढ़ाए हुए, और हाँ मुझको सर, मेरा रिजल्ट बता दो अभी। 4 पैसेज लीगल के पढ़ाए हुए 5 में से, और जीके के कितने पैसे जाए थे? सारा सभी आया था हमारा जीके था मैथ सर एलिमिनेशन। हाँ लो सर एलिमिनेशन मिलाना है। क्यों नहीं मिलाएगा? इतना सब कुछ पढ़ाया, एलिमिनेशन क्यों नहीं मिलाना है जब इतना पढ़ाया था तो? सर तो फिर सभी एंट्री था, होगी फिर मीटर्स बचा ही स्क्वायर। नहीं सर। अच्छा एलिमिनेशन मिलाना है तो सब पढ़ाया हुआ आया था, पक्का आया था भैया? यस मेरे को मेरे मुंह पे मना कर देना, मैं बेईमानी का सौदा, क्योंकि अगर इस वीडियो को मैंने यूट्यूब पे डाला और उसके बाद किसी ने मुझसे बोला कि गलत है, तो भाई मैं तो बेइज्जती नहीं झेल पाऊंगा। सर, हम लोग एक बार कॉम्प्रिहेंसिवली मैं बता दूंगी सर अपने दे, ट्रेवल मैं के जी बाद। मैं सुनो, मैं जी के मैं पैसे कम झेल सकता हूँ, बेइज्जती कैसे झेलूंगा? कोई अगर घर पहुंच गया तो सर पेपर की फोटो खींच के भेज दो पूरे। गार्गी तू तो सर घर पहुंच गई, पेपर के फोटो खींच के भेज दे गार्गी पूरा। पूरा बंद हो जी के तो भेजते हैं, जी के अच्छे हाँ चाहिए। जी के तो आई जाएगी पूरा बिरोजा। हाँ अनुभा बोल। सर वो आपने वीडियो में बोला था कि इन लोगों को ऐसी जीके नहीं पूछनी चाहिए, ऐसे जीके पूछनी चाहिए कि इस पैसे से तुमने क्या सीखा। सर वो अगर वीडियो किसी को याद हो किस उसकी थी, तो सर वो भी सही था। आपने बोला था कि फैक्ट बेस्ड नहीं पूछनी चाहिए। हाँ याद है ना, मैं पेपर का नियम नहीं है ना, वो तुम्हारे पेपर के हिसाब से वो नियम नहीं है, बच्चा रट के जाए वो गलत है, तुम समझो। तुम पेपर में बच्चा रट के जाए तो हमारा डर बना रहे, पर डर से कुछ होगा नहीं ना। जो बच्चे ने ईमानदारी की पढ़ाई नहीं करी वो पैसे जब भी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, मैं लॉजिक समझाता हूँ। जिस बच्चे ने इस पेपर के अंदर जीके पहले से नहीं पढ़ी होगी, उस बच्चे के साथ पता है दिक्कत क्या होगी? उसको पूरे पूरे पैसेज पे टाइम लगाना पड़ा होगा। अब लॉजिक समझना, जिसको पैसेज पे टाइम समझना, जिसको पैसेज पे टाइम लगाना पड़ा होगा, उसकी जीके जहां 12 मिनट में होनी थी वहां 12 की जगह ले गई 27 मिनट, जहां जिसकी जीके 27 मिनट ले गई वहां उसका बाकी पेपर छूटा। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली सही बोल रहा हूं? एग्जैक्टली सही बोल रहे हो आप। ऐसा ही मतलब अभी 2-3 लोगों से मैंने बात की, मेगा जीके के नहीं थे बट यहाँ के लोकल थे इधर मुंबई के, उन्होंने हाँ जीके से की नहीं थी तो उनका अभी जीके में बहुत ज्यादा टाइम चला गया, लिटरली लाइक 25 मिनट चले गए जीके में। बट बाकी पेपर फिर भी इजी था, लेंदी भी नहीं था, फिर भी उनका पेपर फिनिश नहीं हुआ। इसी वजह से ये साल भी लोगों के पेपर नहीं फिनिश हो रहे। सर आपका डांसर समझ आ रहा है, बस एक चीज तो बताइए कट ऑफ कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम अबे लोग? मुझे लीगल के सेंटर हेड ने कह दिया 100 के ऊपर बेटा। अबे सुनो, ऐसा है चूल्हे में गया क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जिंदगी में मेरा एक नियम था, मैं पहले बताऊं, जब मैं मेहनत करता हूं उसके बाद जब रिजल्ट आता है
तो उसके बाद अच्छा करने के बाद खुशी मनाऊंगा, क्योंकि अब खुशी नहीं मनाऊंगा तो पूरी जिंदगी दुखी रहूंगा। पेपर हाँ, अच्छा करके आया ना रचित? सर मैं पेपर ऐसे देके आया हूँ, मैं पेपर ऐसे देके आया हूँ, मैं हंसते हंसते बाहर आया पहली बार पेपर में कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से, दूसरी बार तो खुश रहे। मुझे तो शिफा ने कॉल किया था पेपर से बाहर आते हुए 15 मिनट पहले, शिफा की कॉल, दीदी पेपर बहुत हलवा, दीदी पेपर बहुत हलवा। और जानवी तूने और बच्चों से भी बात करी ना? यस यस करी ना पेपर अभी अभी। पेपर छूटेगा हाँ बच्चों का, क्यों छूटेगा? क्योंकि जिसने जीके पहले से नहीं पढ़ी, जिसने ईमानदारी से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं, तुम पॉइंट समझना, उस बच्चे को लग रहे हैं 27 से 28-30 मिनट लग जाएंगे उसको, और जिसको वो लग गए वो पेपर का टाइम गया। एग्जैक्टली और समझ में भी नहीं आता कि वो टाइम गया, हाँ बिकॉज वो टेम्पटेशन होती है कि आंसर मिल रहे पैसेज में, तो और पढ़ते और पढ़ते और पढ़ते, और फिर पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ चला गया। सर नई वीडियो का टैगलाइन मिल गया, सर नई वीडियो का टैगलाइन मिल गया, 30 में से 30 सारे क्वेश्चन हमने हमारे पास नहीं आए नहीं हैं। 30 के 30 नहीं आए ना, लीगल के 4 पैसेज भी हमारे पढ़ाए हुए आए हैं इस बार। तो बस फिर सर लीगल भी मैच काट के किए, मैच काट के किए हैं, मैच भी आए, मैच काट के किए, मैच भी पढ़ाई हुई आई है। एग्जैक्टली मैच भी पढ़ाई हुई आई है, पूरी पूरी मैच पढ़ाई हुई आई है। हाँ ये बच्ची कुछ कह रही थी गौरांगी। सर मैं ये कह रही थी कि जिस हिसाब से पेपर आया, फिर आपको यही बोलना चाहिए कि आपने ही पेपर बनाया था। चलो सब लोग अपना ध्यान रखो, मैं इसको अभी बंद करके दोबारा चालू कर रहा हूँ, सो दैट जो वीडियो बनी है मैं उसको मोस्ट जेन्युइन रिएक्शन लिख के, मोस्ट जेन्युइन रिएक्शन लिख के यूट्यूब पे डाल पाऊं। बिल्कुल जेन्युइन भाई, मोस्ट जेन्युइन रिएक्शन।